1939 को उनका लास्ट दिन था, लास्ट दिन वैली ऑफ फ्लावर्स में था। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज हमारा ट्रिप फिर से होने वाला है फूलों की घाटी वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल पार्क। और मैं बता देना चाहता हूँ, गोविंद धाम से यहाँ पे सिर्फ आधा किलोमीटर है, जहाँ से आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक तो श्री हेमकुंड साहिब के लिए इधर और एक फूलों की घाटी। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, फूलों की घाटी यहाँ से जाएंगे और श्री हेमकुंड साहिब यहाँ पे लगभग आधा किलोमीटर पैदल चल के गोविंद धाम से। तो चलिए करते हैं प्रकृति की खूबसूरती को एक्सप्लोर। तो भाई आज मेरे साथ देवेश भी जा रहा है वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि हम ऊपर ही रहते हैं हेमकुंड साहिब में, फोटोग्राफी करने के लिए। और आज दोस्तों मैं इंफॉर्मेटिव ब्लॉग, ऑलरेडी मैं 2-3 ब्लॉग बना चुका हूँ, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में और टैग कर दूँगा, कार्ड्स में ऐड कर दूँगा, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ले सकते हैं। आज तो हम ऐसे ही जा रहे हैं बस टहलने की, फ्लावरिंग कितनी हुई है, क्या नहीं हुई है, हर चीज़ आपको दिखाएंगे। भाई फूलों की घाटी जो है गोविंद धाम घांगरिया से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और मॉडरेट ट्रैक में आता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। हाँ, 2 किलोमीटर चढ़ाई है, बाकी 2 प्लेन है, तो इजीली आप 1.5 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम आप इजीली पहुंच सकते हैं। तो कुछ दूरी पे आने के बाद आपको ऐसा नज़ारा दिखता है फूलों की घाटी का, जो कि है पुष्पावती रिवर, पुष्पावती नदी, और पहाड़ों के आसपास बीच में जो इस रिवर की खूबसूरती है वो आप देख सकते हैं। और आजकल वेग देखिए कितना प्रभाव है जो मॉनसून होने की वजह से, ये देखिए। दोस्तों यहाँ पे घोड़े तो नहीं आते, लेकिन कंडी आते हैं, जिनको मस्ट नीडेड है, जो बूढ़े हैं, जॉइंट पेन है, तो यहाँ पे कंडी कर सकते हैं गोविंद धाम से वैली ऑफ फ्लावर्स में, ठीक है। तो यहाँ रास्ते ही मिल जाएंगे, वैसे गोविंद धाम से करोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी तो भाई पूरा कोहरा लग चुका है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, पहाड़ तक नहीं दिख रहा है, और ये कोहरा आ रहा है यहाँ गोविंद धाम से इधर वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बस वहाँ जाने तक मौसम क्लियर रहे तभी वैली दिख पाएगी। नहीं भाई यहाँ पे छोटा सा मशरूम भी हो रखा है, जंगली मशरूम, हर लोग भी मिल चुके हैं, YouTube वीडियो देखते हैं, और इन्होंने बोला भी था 4-5 को आएंगे, मैं तो पहचान नहीं पाया, सर लोग पहचान के। अभी वैली जा रहे, कितने बजे निकले थे? अभी हम सुबह 8:30 के आसपास निकले थे उधर से। अच्छा, नहीं तो उस हिसाब से अच्छी स्पीड है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, साथ में इनके डॉटर भी हैं जो अभी कंडी में आ रहे हैं, बाकी वैली देखेंगे, खूबसूरत है आजकल, बाकी अच्छा लगा मिल करके। अभी शाम को भी मिलेंगे उनके डॉटर से, या अभी रास्ते में कहीं मिल जाएंगे। ठीक है ठीक है, आराम से आइए सर। ठीक है, थैंक यू। तो भाई देखो धूप भी आ चुकी है, पहुंचने तक अभी तो काफी दूर है, बट देखे कितना बढ़िया लग रहा है। देवेश तो पहली बार आ रहा है, खुश हो गया। तो भाई अभी धूप भी आ चुकी है यार, अच्छा तो हो गया, लेकिन कोहरा है, घाटी नहीं दिख पा रही है। तो भाई एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पुल है, यहाँ पे ना आपको ध्यान रखना है, एक एक करके जाना है, 2-2, 3-3 करके नहीं जाना है, क्योंकि इतना लोड बियरिंग कैपेसिटी नहीं है। वहाँ से जाता है रास्ता कुंट खालगा,
लेकिन हम जाने वाले थे, लेकिन कल ही किसी ने बताया लोकल ने ऊपर पे एक और पुल आता है जो कि टूटा हुआ है, वहाँ पे नदी क्रॉस नहीं हो सकती, इसलिए आज हम वहाँ कैंसिल कर रहे हैं प्लान। बट नेक्स्ट टाइम जरूर जाएंगे जब पानी कम हो जाएगा। आजकल तो भाई इधर सिर्फ डॉग माउथ फ्लावर्स आपको ज़्यादा दिखेंगे, जो कि लास्ट टाइम भी दिखाए थे मैंने, कुछ ऐसे हर जगह पे देखे। तो भाई अभी पूरी घाटी ना 80% इधर कुछ पैस तक पूरी पिंक हो रखी है, और इतना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे लग रहा है, देखें पूरा पिंक पिंक इधर से देखें, वाह यार मज़ा आ गया। दोस्तों 15 जुलाई से 15 अगस्त या टोटल एंड अगस्त तक पीक टाइम माना जाता है फ्लावर्स का, और उस हिसाब से फ्लावर्स दिख भी रहे हैं। देखिए पीछे कितना प्यारा लग रहा है भाई, मज़ा आ गया सच में। ये देखिए वैली पीछे से खुल भी रही है कोहरे के साथ साथ, और हवा भी चल रही है जिससे ये फ्लावर ऐसे उड़ रहे हैं देखिए। और भाई कुछ टाइम पहले ना मुझे पता नहीं था इन फ्लावर्स के बारे में, ये वाले फ्लावर्स, मैं सोचता था यार इनमें फ्लावर उगते होंगे, लेकिन ये ऐसे ही उगते हैं, ये देखिए ऐसे ही होते हैं, कोई डिफरेंस चेंज नहीं आता इन पे। भाई कुछ आगे तक डॉग माउथ फ्लावर्स आपको दिखे, और यहाँ पे आते ही आपको अलग पैच दिखेगा और अलग फ्लावर्स दिखेंगे। देखना चाहे तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, नहीं देखना चाहे तो आपको सिर्फ घासें नजर आएंगे। तो भाई आजकल तो यही है भीड़ वैली ऑफ फ्लावर्स में, जो कि धरती का स्वर्ग माना जाता है, और लिटरली इसमें कोई संदेह नहीं कर सकता है, इतनी खूबसूरत सा जगह पहाड़ों में, इतना खुला बुग्याल और इतने सारे फूल। तो भाई यहाँ पे देखिए आजकल बेल फ्लावर्स भी ऐसे उग रहे हैं प्यारे से, देखिए पूरे बेल की शेप में, इसलिए इसका नाम पड़ा है बेल फ्लावर। और भाई ये नज़ारा कुछ ऐसा, मतलब खुल रहा है बंद हो रहा है, पूरी घाटी पूरी वैली जो कि कहा जाता है हेवन ऑन द अर्थ, तो कुछ ऐसी दिखती है जो हेवन होती है। एक्चुअली मैं मानता भी हूँ कि भाई अगर स्वर्ग होगा तो कुछ ऐसे नज़ारों के साथ तो डेफिनेटली होंगे अनेकों फ्लावर्स होंगे। और मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, तो भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लावर का जो पीक सीज़न है वो एक महीना 15 जुलाई से 15 अगस्त होता है, क्योंकि कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं ना जून से उगते हैं और उनका टाइम ड्यूरेशन कम रहता है, उनकी लाइफ ड्यूरेशन कम रहती है, आधे महीने 10 दिन 15 दिन तो वो ख़त्म हो जाते हैं, तो किसी का जुलाई में। बट जो मोस्टली फ्लावर्स की जो लाइफ टाइम होती है और उगने का समय होता है वो मानसून में होता है, 15 जुलाई टू 15 अगस्त या 20 अगस्त तक आप कह सकते हो, या पूरा अगस्त मान सकते हो, तो इसलिए ज़्यादा फ्लावर्स जो है ना आपको अगस्त में दिखते हैं। बाकी फ्लावर्स तो हर सीज़न तक होते हैं, 5 महीने मई जून जुलाई अगस्त और सेप्टेम्बर में तो सूख ही जाते हैं, बट 4 महीने आप समझिए कि सीजन होता है वैली का, फ्लावर्स ना भी हो तब भी घाटी खूबसूरत दिखती है। तो भाई आजकल झाड़ियों के अंदर से बीच से जाना पड़ रहा है ऐसे गली की तरह, ये देखिए, पर यार कितना प्यारा लग रहा ना, क्या बोलो यार सच में दिल खुश हो गया। भाई यहाँ पे आपको ना बहुत सारे लगभग 4-5 झरने आपको दिख जाएंगे, जो कि अभी कोहरे की वजह से दिख नहीं रहे हैं, और इन पानी को पीने लायक है, पानी पी सकते हैं आप, तो ये खूबसूरती है, बैठ सकते हैं मेडिटेट कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा है।
फिलहाल आगे भी खूबसूरती दिखाते हैं। और भाई कोहरा आ रहा है जा रहा है तो और मज़ा आ रहा है। वही अब तक आप देख रहे थे पर्पल फ्लावर्स, अब यहाँ पे इन्हीं के जो वैरायटीज हैं इसमें से वाइट फ्लावर भी देखे, इतना प्यारा लग रहा है। तो भाई जब हम जून में आए थे तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि यहाँ पे ना पुल नहीं था, पुल नहीं था तो हम ये नदी कूदते कूदते गए, सोचिए ये वाली नदी। अब तो पुल है तो पुल से जा सकते हैं। लास्ट टाइम दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी रास्ता नहीं था, लेकिन इस बार रास्ता बन चुका है भाई। यहाँ पे थोड़ा डिस्चार्ज के लिए जगह रखी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इजी हो गया, वे जा सकते हैं भाई। इतना मन कर रहा है ना पानी में जाने का, मैं तो चले ही चुका हूँ पानी में, पैर फिसल गया था, फिर जाऊँगा। तो भाई अब यहाँ पे पानी के पास हम खाना खाने वाले हैं, भूख लगी, सुबह कुछ खा के नहीं आए थे, चाय थी तो पराठे ला रखे हम साथ में, पराठे खाएंगे तो फटाफट खा के फिर आगे निकलते हैं। मैरी तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट लगभग वो वहाँ पे है वैली ऑफ फ्लावर्स का, और वहाँ से लगभग आपको 2 किलोमीटर यहाँ पे चल करके और यहाँ से नीचे 1 किलोमीटर रास्ता आपको दिख जाएगा, तो मैरी ग्रेव है वहाँ पे जा रहे हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं मैरी ग्रेव पे, और कुछ ग्रेव इस तरीके से दिखती है, आपको दिखाते हैं, कुछ ऐसा है ये देखिए। और फ्लावरों के बीच आज भी उनकी ग्रेव रखी गई है, क्योंकि वो थी प्रकृति प्रेमी, नेचर लवर। और देखिए नेचर ने इतना अपना स्थान दिया कि भाई कहाँ, एक टाइम के लिए साल में एक बार आते थे और जिंदगी भर लाइफ टाइम हर दिन वो यहाँ रह सकती है। जॉन मार्गेट लैक, जो कि फरवरी 21st 1885 टू जुलाई 4th 1939 को उनका लास्ट दिन था, लास्ट दिन वैली ऑफ फ्लावर्स में था, तो लगभग वो ज़्यादा एज जी नहीं पाई, बट जितना भी जिया प्रकृति को पूरा अपना जीवन योगदान करके दिया। और फिर लास्ट में क्या हुआ भाई, प्रकृति ने अपने ही गोद में उनको रख दिया। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, जॉन मार्गेट लैक जब फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में यहाँ की डिस्कवरी करी थी, एक तरीके से डिस्कवरी ही करूँगा क्योंकि उन्होंने ही जो ये खूबसूरत जो ये वादी है, जो स्वर्ग है, स्वर्ग का नज़ारा है, उसको मतलब दुनिया के नज़रों के सामने रखा, तब जा कर के लोगों को इस बारे में पता चला। और आज इतने सारे लोग आते हैं ना यहाँ पे इस नज़ारों का आनंद लेने के लिए। वहीं पे जॉन मार्गेट लैक जो कि एक प्रकृति प्रेमी थी, जब इसके बारे में पता लगा तो वो 1939 में यहाँ पे आई थी, और फूल को प्लक करते हुए, मान लो भाई प्लक करते हुए वो कहीं चोटियों में रही होगी और ऐसा अनोखा फ्लावर दिखा होगा, तो उन्होंने, उनके मन में आया होगा कि यार इसको अपने पास में रख दें, प्लक करके कहीं से तोड़ रही थी तो उस टाइम वो घिर चुकी थी, मतलब पहाड़ियों से घिरने से उनकी मौत हो गई है ना। उसके उस टाइम पे हुआ क्या करता था, अपने गांव के लोकल लोग यहाँ पे ना भेड़ बकरियाँ चराते थे, 5-6 महीने इधर ही फूलों की घाटी में रहते थे नेशनल पार्क बनने से पहले। तो भाई ऐसे ही उनको आइडिया लगा कि यार कोई फॉरनर यहाँ पे आया था विजिट करने, वो दिख नहीं रही है। गोविंदधाम घांगरा में भी गांव के लोग रहते थे, चरवाहे जैसे उस टाइम ऐसी लाइफ थी, तो फिर उन्होंने सर्च किया तो कहीं पहाड़ियों के बीच में इधर इधर कहीं तो मिली होगी, ये आइडिया नहीं है कहाँ पे, तो अपने ही गांव के लोग, दादाजी लोग थे। फिर भाई जैसे कि उनके सिस्टर के मन में भी आया कि यार अगर वो इतना लव करती थी नेचर से, जो जॉन मार्गेट लैक है, क्यों ना उनकी कब्र यहीं पे बना दी जाए। तो देखिए आज वो अमर हो चुकी है, अमर कहानी बन चुकी है उनकी जॉन मार्गेट लैक की, जो कि भाई इस घाटी को विजिट एक्सप्लोर करने आई थी और हर दिन यहीं पे है। तो उनकी याद में उनको सैल्यूट है, उनके जो प्यार है, जो नज़रिया है प्रकृति को देखने का नज़रिया था, तो उसको सैल्यूट है। और आज हम यहाँ पे आकर के उनको याद जरूर करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, भगवान उनके आत्मा को शांति दे और इसी घाटी में उनको अपनी जगह दे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, थोड़ा सुकून से हम यहाँ पे बैठ सकते हैं कुछ देर और इधर आसपास नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। फ्लावरिंग तो आपने देख ली होगी, काफ़ी ग्रीनरी भी है यहाँ पे और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा इधर। तो भाई यहाँ पे बारिश भी होना स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी देर हम रिलैक्स करेंगे यहाँ पे बैठेंगे
और खूबसूरत वादियों का। बाकी यार देखे फ्लावर्स भी हो रखे हैं मेरी कब्र के आसपास और ऐसी घाटियां भी दिख रही है, बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग भी आए निश्चिंत आए, बहुत ही बढ़िया मौसम यहाँ पे रहने वाला है, बहुत ही प्यारा अच्छा मौसम रहेगा। और बाकी जो मैंने डिटेल्स दी है पुराने टाइम की, है ना, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने बाकी दो वीडियोस में दे रखी है, लास्ट वाली उससे सेकंड लास्ट वाली मैं जो कि डिस्क्रिप्शन और कार्ड्स में ऐड कर दूंगा एट द एंड वीडियो के एंड में, तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। हम कितनी दूर गए थे उधर गए थे, यहाँ से आते आते यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बादल लग रहा है तो कुछ ऐसे घाटी दिख रही है अभी, खूबसूरत सी, मौसम साफ़ है, ख़राब हो रहा है साफ़ हो रहा है कुछ ऐसा है। छाते की ज़्यादा नीड नहीं पड़ रही बट ज़रूरी है छाता ले जाना। ये पुष्पावती रिवर भी देखें आप, तो दोस्तों पुल आने के बाद हमें यहाँ से चढ़ते चढ़ते जंगल को क्रॉस करते करते ना वो जो टूटा हुआ है उसके भी टॉप पे जाना, उसके बाद प्लेन है, तो 2 किलोमीटर चढ़ाई बाकी सारा पैदल 2 किलोमीटर कुछ ऐसा है भाई। तो भाई पहुंच चुके हैं गोविंद धाम घांगरिया पे और यहाँ पे नज़ारा आप देखे भाई, सुबह अलग और अभी अलग और झरना भी देखे कुछ ऐसा है यहाँ पे, बड़ा प्यारा है भाई। सुबह 9:30 बजे निकले और अभी पहुंच चुके हैं हम 2:30 बजे, तो बड़ी जल्दी पहुंचे और अच्छा टाइम, मतलब फटाफट चले फटाफट आए, मज़ा। गुरुद्वारा साहब यहाँ पे गोविंद धाम का, ये देखें और ये वाला पेड़ तो बड़ा ऐतिहासिक है, इसके बारे में मैंने कई वीडियोस में बताया है कि जब डिस्कवरी हो रही थी श्री हेमकुंड साहिब की तो यहाँ पे भी रात काटी इस पेड़ के नीचे। तो भाई अभी देखिए शाम के मौसम गोविंद धाम का ऐसा हो गया, पूरा कोहरा लग चुका है और अभी भी पूरे दिन भर आज ऐसे ही था, बाकी मौसम ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है। तो भाई एक हिंट दे देता हूँ कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कहाँ जाने वाला, एक फ़ोटो पड़ी थी तो उसको दिखा करके मैं बताने वाला हूँ यहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, अभी होगी वहाँ ग्रीनरी और फ्लावर भी होगी, तो आप पहचानिए कैसी जगह है। और हम लास्ट ईयर हम यहाँ पे स्टे किया था इस वाले कमरे में, इस बार कहाँ मौका मिलेगा, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी, और यहाँ पे हमने दर्शन करने जाना है। तो दोस्तों इसी के साथ फिलहाल ब्लॉग करते हैं एंड, और थक चुके हैं और कल जाना है पुलना गांव में, तो फिलहाल तब तक के लिए कर लेते हैं ब्लॉग एंड, बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।